अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अपनी एक नई किट के बारे में मालूमात देंगे। ये हमने नई किट बनाई है, इसमें सेंस बोर्ड हमने अलग-अलग डाले हैं और लोड के लिए हमने अलग-अलग डायोड लगाया है। ये डायोड 2 एम्पीयर का हमने लगाया है लोड के लिए, और इसमें सर्किट में ये 2 एम्पीयर का डायोड है, और यहाँ से करंट हमने ये D313 के कलेक्टर में दे दिया है, और एमीटर से आउटपुट 12 वोल्ट लेकर तमाम रिलेओं को दे दिए हैं। इसमें आपकी तमाम रिले को रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेंगे। आपने इसको सेंस के लिए कोई भी छोटा सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना है, 100 मिली एम्पीयर का, 200 का, तब भी ये काम करेगा। ये हमने रेजिस्टेंस वगैरह लगाई हैं, और ये वेरिएबल के लिए हमने 18 के की रेजिस्टेंस लगा के वेरिएबल को करंट दे दिया है, और ये 5.6 के की रेजिस्टेंस लगा के पीछे C828 के बेस को करंट हमने दे दिया है। और ये इस तरह ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये ट्रांजिस्टर का बेस है, तो ये इस तरह हमने तमाम रेजिस्टेंस के ज़रिए इस सेंस बोर्ड से ही पिछले ट्रांजिस्टर को ऑपरेट किया है। और हमने इसके अलावा एक किट और जो नया मॉडल तैयार किया है, उसमें हमने सेंस बोर्ड 2-2 रिलेओं का भी अलग-अलग किया है। उसको आप प्राइमरी सेकेंडरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो में भी, और 2 ऑटो और 2 प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। इसमें ओवरलोड भी है और बग़ैर ट्रांसफार्मर के ये किट चलेगी। उसके साथ कोई 100 मिली एम्पीयर या 200 या 500 का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और वो ये किट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।